नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज फिलहाल चैनल पर चल रही है वो काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए सभी विषय के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो चालू कर दी है और अब हम सभी भर्तियों के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, LDC, पटवारी, SI, RAS और राजस्थान पुलिस, इन भर्तियों के लिए भी GK की जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है और वो भी ट्रिक के साथ, ताकि आप कभी भी GK को ना भूल पाएँ। और इसमें हम भारत और राजस्थान दोनों GK का जो समावेश है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने एक बार इसे याद कर लिया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर अनअकैडमी पर भी मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, SI, राजस्थान पुलिस आदि से संबंधित जो वीडियो वो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरी वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज की पहली ट्रिक है वो ये है कि यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, अगर हमें इनको याद करना है तो किस ट्रिक से याद करेंगे। तो उसके लिए ट्रिक है वृंदा के दिल में आग या आदमी, ये दो ट्रिक है, वृंदा के दिल में आग या आदमी। तो सबसे पहले हम वृंदा के दिल में आग इस ट्रिक से जो शहर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ट्रिक का विश्लेषण है। सबसे पहले वृंदा, वृंदा से हो गया वृंदावन, के से हो गया कौशाम्बी, दिल से हो गया दिल्ली, में से हो गया मथुरा और आग से हो गया आगरा। तो ये होगी वृंदा के दिल में आग, वृंदावन, कौशाम्बी, दिल्ली, मथुरा और आगरा। या आदमी, तो आदमी का हो गया आ का आगरा, दे का दिल्ली और मी का मथुरा। तो एक बार आप याद कर लीजिए, आप ज़िंदगी भर भी इसको नहीं भूल पाओगे। अगली जो ट्रिक है वो ये है कि विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश क्रम अनुसार, यानी बढ़ते से लेकर घटते तक। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है, CIA और IB का पानी। तो ट्रिक का विश्लेषण है, सी का हो गया चाइना, आई का हो गया इंडिया, यानी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना की है, उसके बाद में इंडिया की है और ए का मतलब अमेरिका, और इसमें साइलेंट रहेगा आई इंडोनेशिया और बी ब्राज़ील, का साइलेंट रहेगा पा का पाकिस्तान और नी का नाइजीरिया। यानी CIA और IB का पानी, चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान और नाइजीरिया। अगली जो ट्रिक है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के महाद्वीप। अभी तक हमने पढ़ा था जनसंख्या के अनुसार जो घटते हुए देश की जो ट्रिक थी, लेकिन अब पढ़ेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के महाद्वीप। तो उसकी ट्रिक है, एश अभी उत्तरी दक्षिणी अंटा से यूरो लेक के आ, एश अभी उत्तरी दक्षिणी अंटा से यूरो, यूरो जो यूरोप की जो मुद्रा उसका नाम है, लेके आ। तो एश का हो गया आपके एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। दूसरा है अभी, अभी यानी हो गया अफ्रीका, एशिया के बाद में अफ्रीका। तीसरा है उत्तरी, उत्तरी का हो गया उत्तरी अमेरिका, और दक्षिणी का हो गया दक्षिणी अमेरिका। अंटा का हो गया अंटार्कटिका से साइलेंट रहेगा यू का यूरोप, और लेके का साइलेंट और आ का ऑस्ट्रेलिया। ने एस अभी उत्तरी दक्षिणी अंटा से यूरो लेके आ, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आशा करता हूँ आपको ये याद हो गई होगी। अगली जो ट्रिक है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश, वो भी क्रम के अनुसार। तो इसकी ट्रिक है रुका चीन अब्रा के आभार से, कि रुका चीन अब्रा के आभार से। तो रुका, रुका हो गया रूस, रुका का हो गया कनाडा, चीन का हो गया चीन, एक का हो गया अमेरिका और ब्रा का ब्राज़ील, के साइलेंट, आ का ऑस्ट्रेलिया, भा का भारत और से साइलेंट, यानी रुका चीन अब्रा के भार से, आभार से। तो इसमें हो गया रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आज की जो लास्ट ट्रिक है वो ये है कि भारत की स्थल सीमा पर जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसकी ट्रिक है बचपन में MBA किया। तो इसकी विश्लेषण अगर हम देखें तो बे का
बांग्लादेश, और इसकी सीमा लगती है 4,096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा है वो भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके बाद में चे चे का हो गया चीन, चीन के साथ लगती है 3,917 किलोमीटर। अगला है पे, पे यानी पाकिस्तान, पाकिस्तान के 3,310 किलोमीटर। ने यानी नेपाल में हो गया साइलेंट। एम का हो गया म्यांमार। बी का हो गया आपके भूटान 587 किलोमीटर। और ए का हो गया अफगानिस्तान। और किया हो गया आपके साइलेंट। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके काफ़ी काम भी आएगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसकी जो वीडियो की जो लिंक है वो अपनी सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और लोगों के भी काम में आ सकें। धन्यवाद।